ये लगभग 10:30 बजे की वारदात है कि 10:30 बजे ये जो बिल्डिंग है ये गिरी है। इसका नाम पुरुषोत्तम बिल्डिंग है। मैं सामने की बिल्डिंग में रहता हूँ। एक फैमिली हमारी बिल्डिंग के वहां से दिख रही थी कि वो वहां पे अटके हुए हैं। उनके जो हस्बैंड थे, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे थे, 12 और 10 साल के बच्चे थे, वो चारों वहां पे ऊपर अटके हुए थे। हस्बैंड के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे। पहले उनको रेस्क्यू किया गया था, लेकिन क्योंकि उनको पहले ही नीचे उतार दिया था, लेकिन बाद में जब फायर ब्रिगेड जब ऊपर उनको उतारने जा रही थी फैमिली को, तो उनके स्टेयरकेस के वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे थे। तो मैंने उनको इंसिस्ट किया था कि मैं आपके साथ आने को तैयार हूँ। मैं फायर ब्रिगेड्स के साथ में गया था वहां पर ऊपर। हम लोग ऊपर गए थे और जिस लेवल पे हम लोग गए थे वहां से उन बच्चों को लेके आने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही थी, क्योंकि बीच में जो पत्रे उतरे हुए थे उसके बीच में काफी एक गैप, बड़ा गैप था। तो भी हमने जिगर करके उन बच्चों को वहां से निकाला। वो फायर ब्रिगेड जो फायर ब्रिगेड के जो मेंबर्स थे, वो उनकी जो जिस तरह से उन्होंने प्रयास किया और जिस तरह से इन बच्चों को निकाला है, इट वॉज हेड्स ऑफ। उनके कारण से आज देश शांति से जी रहा है, अच्छी तरह से सीख पा रहे हैं। 11:45 के करीब बिल्डिंग गिरा है। जब हम आए तो ऊपर 3 लोग 2 लड़के और 1 औरत फंसी थी। उनको हमने हमारा टर्न टेबल लैडर को लगा के सेफली रेस्क्यू किया। हम आने से पहले एक आदमी को इंजर्ड हुआ था, उसको जीटी हॉस्पिटल लेके गए पब्लिक, और वहाँ से फिर उनको सेफली में शिफ्ट किया। अभी उनको मालूम पड़ा और मलबे के नीचे कोई और फंसा है कि नहीं, उसका हमारा सर्च ऑपरेशन चल रहा है।